विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर यदि आप देखें विद्यार्थियों तो पेपर कौन से ईयर का है, तो पेपर सेकेंड ईयर का पेपर है। खास बात क्या है इस पेपर की, तो ये पेपर BA BBA BCA का पेपर है और फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट है। पेपर का टाइटल स्क्रीन पर दिया हुआ है लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा और संस्कृति। पार्ट बी में दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन कोर्स। विद्यार्थियों इस पेपर के बारे में यदि हम बात करें तो यह पेपर जो आपका पेपर है और यह पेपर 29 अगस्त 2024 यानी 29 अगस्त 2024 को राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। तो विद्यार्थियों इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, उससे पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम हमेशा आपके साथ बने रहें और नए नए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। विद्यार्थियों आप अपना पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपना पेपर स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है आपको 77250 यानी 77250 44 यानी 44325 44325 नंबर पर अपना पेपर सेंड कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन बनाकर अपलोड कर देंगे। तो विद्यार्थियों हम आगे पहले प्रश्न की तरफ, पार्ट ए का लैंग्वेज एंड कल्चर का पहला प्रश्न, कृष्ण अर्जुन के सारथी है, युद्ध भूमि में भी और अंतर मन में भी। तो पहले का ए ऑप्शन हो जाएगा अंतर मन में। दूसरा, गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो विद्यार्थी आप अच्छे से जानते हो कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 700 श्लोक दिए हुए गीता में। प्रश्न क्रमांक तीन, गीता कर्म योग के माध्यम से कर्म का कौन सा संदेश देना चाहती है, तो विद्यार्थियों निष्काम संदेश देना चाहती है, कौन सा, निष्काम संदेश। चौथा प्रश्न, गीता में कितने योगों पर चर्चा की गई है, तो गीता में टोटल 18 अध्याय, तो 18 योगों पर चर्चा की गई है, कितने, 18 पर। प्रश्न क्रमांक पांच, कर्म की दिशाओं में इनमें से क्या संबंध नहीं रखता है, तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकर्म, क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, अकर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक छह, मनुष्य की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कविता, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, कविता करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां, निराला ने किस पत्र का संपादन किया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मतवाले पत्र का संपादन किया। आठवां प्रश्न, तुम तो महान तू सदा हो महान, हे नश्वर ये दीन भाव कायरता काम परता ब्रह्मा हो तुम, ये पंक्तियां किसको संबोधित करके लिखी गई हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें प्रश्न का, वीरों को संबोधित करके लिखी गई है, किसको, वीरों को। विद्यार्थियों यदि आप इसका वीडियो लेक्चर अभी आप देख रहे हैं और यदि इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम आ रही है तो आप आपकी जो YouTube का सेटिंग ऑप्शन होता है उसमें जाकर आप क्वालिटी इंक्रीज करके देख सकते हैं तो थोड़ा सा वीडियो क्लियर आ जाएगा। नौवां प्रश्न, जागो फिर एक बार कविता में कौन से भारतीय दर्शन की स्थापना की गई है, तो नौवे का सी ऑप्शन हो जाएगा अद्वैतवाद की बात की गई है, किसकी, अद्वैतवाद की। दसवां प्रश्न, इनमें से निराला जी की रचना कौन सी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दसवें का डी, झरना नहीं है, झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है, किसकी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ग्यारहवां प्रश्न, दोपहर का भोजन कौन सी कहानी संग्रह से प्रकाशित है, तो 11 का एक हो जाएगा जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक। 12वां प्रश्न, अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो विद्यार्थियों 2007 में मिला, सी ऑप्शन हो जाएगा 12 का सी। 13वां प्रश्न, दोपहर का भोजन कहानी में कितने सदस्य, तो टोटल 5 सदस्य हैं, कितने सदस्य, 5, सिद्धेश्वरी उसके पति और उसके 3 बच्चे हैं। प्रश्न क्रमांक 14, बटलोई की दाल को कटोरी से उड़ेल दिया पर वह पूरा भर नहीं, यह कथन किस से संबंधित है, तो विद्यार्थियों 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ये संबंध यहाँ पर माता से संबंधित है, किससे, माता से संबंधित। वैसे इस प्रश्न को एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हमने जो पढ़ा में माता मिला है पर हो सकता है इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न, दोपहर का भोजन कहानी की नायिका सिद्धेश्वरी। अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 16, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, तो 16 का ए ऑप्शन हो जाएगा 26 मार्च 1907 में हुआ। गिल्लू किस संकलन में संकलित है, तो 17 का सी हो जाएगा मेरा परिवार में संकलित है। 18, गिल्लू का प्रिय भोजन आप लोग अच्छे से जानते हो काजू, क्या हो जाएगा, काजू करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते 18वें प्रश्न की तरफ,
18 प्रश्न, गिल्लू का संबोधन किसका प्रतीक है? तो 19, 18 तो हो गया, हाँ 18 तो काजू हो जाएगा। 19वां, गिल्लू का संबोधन किसका प्रतीक माना गया है? तो विद्यार्थी 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, स्नेह का प्रतीक माना गया। किसका? स्नेह का प्रतीक माना गया है। 20वां प्रश्न जो दिया गया है, सोनजुही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, तो 20वें का सोनजुही बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 21, हजारी प्रसाद द्विवेदी का शीरीष के फूल किस तरह का निबंध है? तो 21 का डी हो जाएगा, यह एक ललित निबंध है। क्या विद्यार्थियों? ललित निबंध। 22वां प्रश्न, नाखून किस मनोवृत्ति का परिचायक है? तो 22 का ए हो जाएगा, यह आदिम हिंसक का परिचायक है। किसका? आदिम हिंसक का। 23वां प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कथन किसका है? तो 23वें का ए हो जाएगा, यह छोटी लड़की का कथन है। किसका? छोटी लड़की का। 24वां प्रश्न, नाखून का बढ़ना सहज वृत्ति की प्रकृति है, उन्हें बढ़ने देना चाहिए। तो 24वें का ए हो जाएगा, ये अनुकृति है। क्या है? अनुकृति है। 25वां, अनुसंधात्मक का अर्थ क्या है? तो 25वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, अनुसंधान या खोज करने की इच्छा। प्रश्न क्रमांक 26, धातु पत्थर में प्रयुक्त होने वाली कलाकृति को क्या कहा जाता है? तो विद्यार्थियों, उसको लोक शिल्प कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं शिल्प में क्या किया जाता है, कलाकृति बनाई जाती है। तो आप उस पर चाहे तो कलाकृति शिल्प के अंदर आप ये कह सकते हैं, लकड़ी पर बना सकते हैं आप लोग, पत्थर पर बना सकते हैं। तो यह धातु और पत्थर की बात हुई है, तो उसको लोक शिल्प कहेंगे। 27वां, मोराइल किस क्षेत्र का भित्ति चित्र है? तो 27 का सी हो जाएगा, बघेलखंडी का लोक भित्ति चित्र है। मटकी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो 28 का ए हो जाएगा, मालवा का प्रसिद्ध है। 29वां प्रश्न, काष्ट शिल्प किस क्षेत्र में सुतार जाति द्वारा किया जाता है? तो 29वें का बी ऑप्शन हो जाएगा, निमाड़ क्षेत्र में। वैसे पूरे मध्य प्रदेश में किया जाता है, पर निमाड़ ज़्यादा फेमस है। 30वां, भारिया जनजाति कौन से नृत्य से संबंधित नहीं है? तो 30वें का डी हो जाएगा, थापरी नृत्य से संबंधित नहीं है। 31वां प्रश्न, बुंदेली भाषा का संबंध किस तरह है? तो 31वें का डी हो जाएगा, जगनिक। क्या हो जाएगा? जगनिक। 32वां, तुमाए मो में घी शक्कर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर कहावत किस बोली से संबंधित है? जैसे कहते तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, पर यहाँ पर वर्ड बदल गए, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ये 32वां प्रश्न है और इसका आंसर ए हो जाएगा, ये बुंदेली में आती है। किसमें? बुंदेलखंडी में। 33वां प्रश्न, तेजा जी के गीत किस बोली के प्रचलित हैं? तो 33वें का ए हो जाएगा, बुंदेलखंडी में प्रचलित है। 34वां प्रश्न, हिंगोला नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 34वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बघेलखंड में प्रचलित हैं। एक तवा की रोटी, काय छोटी काय मोटी, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत शानदार लोकोक्ति विद्यार्थियों। तो 35 का सी हो जाएगा, सब एक समान, क्योंकि एक तवे पर बनने वाली रोटियां सब एक समान होगी, यदि आप छोटी बनाओ या बड़ी बनाओ, सबकी इक्वलिटी होती है, इसलिए यहाँ पर सब एक समान हो जाएगा। 36वां, डॉक्टर मनोहर लाल का कथन पूर्ण करें, मुहावरे लोकमानस की अनुभूति है। तो 36 का डी हो जाएगा, चीर सहती अनुभूति है। 36 का डी ऑप्शन। 37वां, चिराग लेकर खोजने का अर्थ क्या है? तो 37वें का ए हो जाएगा, बहुत ढूंढना। 38वां प्रश्न, जीवन के सार अनुभव को संक्षिप्त में विशिष्ट में जब कहा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहावत कहते हैं। क्या कहते हैं? कहावत कहा जाता है। 39वां क्वेश्चन, चलो चाल चलो सदा निभाए बाप दादा का अर्थ क्या है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सादा जीवन और उत्तम विचार या उच्च विचार। 40वां, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो बी हो जाएगा, इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। 41वां प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षिप्तीकरण। 42वां प्रश्न, कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? तो 42 का ए हो जाएगा, नवग्रह, क्योंकि जहां संख्या की बात होती है उसको द्विगु समास कहते हैं। 43वां प्रश्न, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो विद्यार्थियों 43 का ए हो जाएगा, अव्ययभावी समास है। 44वां प्रश्न, विशेषण तथा विशेषक का मेल किस समास में रहता है? तो 44 का करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए, कर्मधारय समास, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास आता है। 45वां, जहाँ संधि का विच्छेद होता है वहीं समास का विग्रह होता है। 45 का बी हो जाएगा, विग्रह। 46वां प्रश्न, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती किससे मिलती है? तो उद्योगों से मिलती है। 46 का ए हो जाएगा, उद्योगों से। 46, उच्च एवं विकसित संस्कृति सभ्यता मैकाइवर,
47 का ए हो जाएगा। 48 संस्कृति का अर्थ क्या है, तो 48 का सी हो जाएगा परिष्कृत उत्तर। और आगे चलते 49वां प्रश्न, विद्या से तात्पर्य आत्मज्ञान किससे संबंधित है, तो 49 हो जाएगा उपनिषद से। 50वां प्रश्न, समाज जिसमें सूचनाओं का निर्माण वितरण एकीकरण किया जाता है इसका मुख्य माध्यम क्या है, तो आप अच्छे से जानते हो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी संचार प्रौद्योगिकी। तो विद्यार्थी ये तो थे आपके हिंदी लैंग्वेज के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अब वीडियो के सेकंड सेगमेंट में आगे हम लोग पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन कोर्स के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। अब हम चलते हैं 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। 51वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विच फॉर्म ऑफ पॉइट्स डज वर्ड वर्ड्स डेफोडिल्स, तो 51 का सी हो जाएगा लिरिक पोयम। 42 हाउ मेनी स्टेंजा आर देन इन द पोयम डेफोडिल्स, तो 52 का बी हो जाएगा 4 स्टेंजा, कितने स्टेंजा दिए हुए 4 स्टेंजा। 53 इन द पोयम डेफोडिल्स द डेफोडिल्स आर कंपेयर्ड टू, तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्लाउड, क्या हो जाएगा क्लाउड। 54 व्हाट काइंड ऑफ मैटर इज यूज्ड इन डेफोडिल्स, तो 54 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा लैम्बिक पेंटामीटर, लैम्बिक पेंटामीटर। 55वां प्रश्न, व्हाट इज द रिम्स स्कीम्स ऑफ द पोयम डेफोडिल्स, तो विद्यार्थियों 55 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर ए बी ए बी सी सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, द इन वर्ड आई मेंशन इन द लास्ट स्टेंजा रेफर्ड टू, तो 56 का ए हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर इमेजिनेशन द पोइट्स इमेजिनेशन, 56 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 56 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रम 57 की तरफ, द होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स इज लोकेटेड नियर, तो 57 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा अ लेक, अ लेक। 58वां प्रश्न, इन विच सीजन डू द बंगाल सेलर्स इन द पोयम लाइक थ्रिल्स द मोस्ट, तो 58 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा समर। 59 विच लिटरेसी डज रिवाइज मोस्ट prominently used in the line some are like fields of Srimdicom, तो 50 रहेगा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा metaphor, क्या हो जाएगा metaphor। प्रश्न क्रमांक 60, what is the primary theme of Bengal Sailor, तो डी ऑप्शन the diversity of Indian culture, मतलब भारतीय संस्कृति में विविधता को यहां पर बताया गया है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों 61 क्वेश्चन, the Paris thinkers humanist टेंडर एंड क्लियर प्रिमिटी अपियर्स टू विच सेंस, तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन स्लाइट, एक बार इसको चेक कर लेना आंसर को, मुझे ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लग रहा है। 62 व्हाट इमोशंस टोन कन्वेस बाय द ब्रिजल लॉफर इन द ब्रिटल टीयर्स, तो 62 का ए ऑप्शन हो जाएगा जॉय एंड सोरो। 63 व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द बंगाल सेलर डिस्क्रिप्शन इन द पोयम, तो 63 का सी हो जाएगा टू सेलिब्रेशन द ब्यूटी एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ बंगल्स इन इंडियन कल्चर। प्रश्न क्रमांक 63 के बाद हम चलते 64 की तरफ, स्क्रीन पर आ गया, इन पेट्रोलिज्म बिहाइंड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन एपीजे अब्दुल कलाम, तो 64 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर नेशनल यूनिटी। 65वां प्रश्न, व्हाट डज द कलाम कंसीडर टू बी द ग्रेटेस्ट नेमिस ऑफ अ नेशंस एज द मेंशंस इन हिज आईज, तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। 66वां प्रश्न, व्हाट रोल डज कलाम एटीट्यूड्स टू यूथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशन डेवलपमेंट एंड पेट्रियटिज्म, तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एक्टिव लीडर। 67 कलाम प्रपोज दैट द फंडामेंट फाउंडेशंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन इज बिल्ड विद दिस एलिमेंट्स, तो 67 का डी ऑप्शन हो जाएगा इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी एंड ऑनेस्टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट, याद रखना डी ऑप्शन। 68 व्हाई डिड लिंचो डिसाइड टू राइट द लेटर टू गोड, तो 68 का सी हो जाएगा ही नीडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस असिस्ट टू द रिप्लाई हिज क्रॉप, रिप्लाइड इज क्रॉप। 69 व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द लेटर टू गॉड, तो बी ऑप्शन हो जाएगा फेथ एंड ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, क्या है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा याद रखना। 69 के बाद 70 व्हाट डज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय डू व्हेन दे
रेड लिंचोज लेटर, तो 70 का डी हो जाएगा, कलेक्ट मनी टू हेल्प हिम। एक उत्तर हुआ हाउ डिड लिंचो एड्रेस गॉड इन हिज सेकंड लेटर, तो 71वें का बी हो जाएगा माय लॉर्ड, बी ऑप्शन हो जाएगा माय लॉर्ड। एक मिनट विद्यार्थियों, ए डबल बार छप गया ना, बी हो जाए बी सर, एक उत्तर का सर हो जाएगा बी, सर कर लेना उसको। 72 व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स, तो 72 का बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहां पर, बिल्कुल बी ऑप्शन। 73 हु इज करेक्टर दैट सर्व्स एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिवाइन जस्टिस इन द स्टोरी, तो उत्तर का डी हो जाएगा मार्क 72, उत्तर का डी। 74वां प्रश्न हु इज द इवन एक्सिनोवास वाइफ, तो 74 का प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा मार्फी। 75 व्हाट इज द प्रोटोगोनिस्ट नेम इन द गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स, तो 75 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन एवन रेमिच एक्सिनोवा। इसके बाद एक पैसेज दिखाई दे रहा है आपको, इस पैसेज को आप रीड आउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पैसेज पूरा देख लीजिएगा। अब इसके मैं सीधा आंसर की तरफ चल रहा हूं, 76वां प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा यहां पर सक्सेस एंड स्ट्रगल। 77 व्हाट इज द एसेंशियल्स टू द फैब्रिक्स ऑफ आवर जर्नी, तो 77 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर बोथ सक्सेस एंड स्ट्रगल्स। 78 व्हाट शेप्स इन द सोल अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सक्सेस। 79 व्हाट इज द डिस्क्रिप्ट अ लेसन इन द पैसेज, तो विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 77 के बाद आ रहा है आपका 79, तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सक्सेस। हु इज द सक्सेस बिस्विट अपॉन द अकॉर्डिंग टू द पैसेज, 80 का बी हो जाएगा द ब्रेव। 81 इन व्हाट इज द इंडिविजुअल forgets according to the passage, तो 81 का बी हो जाएगा स्ट्रगल। 82 दिया हुआ है बीट इन बिल्ड्स मीन्स, तो 82 का बी ऑप्शन टू endures अ पेनफुल एक्सपीरियंस। 83 विच इज द एडवेंस मीन्स टू स्टार्ट समथिंग्स न्यू बिगिनिंग्स न्यू चैप्टर्स लाइफ, तो 83 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा टर्न ओवर अ न्यू लाइफ। 84 व्हाट डिड दिस मींस अ पीस ऑफ केक मींस, ये प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा गया विद्यार्थी, पीस ऑफ द केक मींस, तो 84 का बी हो जाएगा समथिंग वेरी इजी। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द ग्रेडिएंट प्रेस, तो 85 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। 86 जो दिया हुआ है आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट प्रेस इन दिस सेंटेंस, My friend is the talented musician will be the performing tonight, तो 86 का हो जाएगा बी ऑप्शन अ टैलेंटेड musicians। 87 द गर्ल रनिंग डाउन द स्ट्रीट इन my सिस्टर, तो रनिंग डाउन द स्ट्रीट 87 का बी, बहुत सरल है। 88 फाइंड द मिस स्पीड वर्ड, विद्यार्थी इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना, मुझे वैसे ए आंसर इसका लग रहा है, ए आंसर मुझे लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कुछ दूसरा आंसर हो तो। 89 सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड, तो 89 का यहां पर बी हो जाएगा अक्यूरेंस। 90वां प्रश्न इसमें दिया हुआ नाइदर ए ऑफ द आंसर ए सीम करेक्ट बी टू मी नो एरर, तो 90 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहां पर, ध्यान रखना बी सीम करेक्ट। 91 इसका भी बी है दैट व्हाट, आगे चलते हैं। 92 विद्यार्थियों अब यहां पर इसको रीअरेंज करना है आपको, क्या करना है रीअरेंज करना है 92 को, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स यूज सनलाइट्स सिंथेसाइज द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फोटोसिंथेसिस द प्लांट जनरली इन्वॉल्व द ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल ई प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट, तो ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर ए में 1, 2, 3, 4, बी में दिया हुआ 2, 1, 3, 4, सी में दिया हुआ 2, 3, 1, 4 और डी में दिया हुआ 3, 1, 2, 4, तो 92 का ऑप्शन क्या होगा प्लांट यूज सनलाइट इज सिंथेसाइज्ड
फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहला ही हो जाएगा, पहला बिल्कुल सेकंड पहला होगा। ठीक, तो अगला क्या दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस प्लांट जनरली इन्वॉल्व द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ये दूसरा हो जाएगा। फिर दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा इट प्रोडक्ट ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट, ये चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 93, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नोटिस, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, टू इन्फॉर्म अ ग्रुप पीपल अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। 94, इन इनफॉर्मल लेटर हाउ माइट यू एड्रेस अ फ्रेंड, 94 का बी, हाय फ्रेंड नेम। 95, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड, 95 का द रूम वॉज, डी ऑप्शन करेक्ट होगा विद्यार्थी, 95 का डी करेक्ट लीजिएगा डी। 96, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, टू कंपनी प्रॉफिट, तो 96 का बी हो जाएगा, यहां पर बी बिल्कुल बी करेक्ट है। 97, व्हेन यूजिंग वोवेल वैराइटीज ऑफ स्पीच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामीटर ऑफ कंसिडर्ड, तो 97 का डी, आई कॉन्टैक्ट। 98, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो 98 का बी डी हो जाएगा, मोनोडॉन्स। 99 विद्यार्थी, 99 ही प्रश्न गलत है, पूछो क्यों, तो यहां पर ए और डी दोनों ऑप्शन एक जैसे दे दिए, देख लेना आप इसका जो भी होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना क्या है। और 100वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न, उससे पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हम चल रहे हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ, डी ऑप्शन करेक्ट है, इन द मॉर्निंग शी लाइक टू ड्रिंक कॉफी बिफोर वर्क। विद्यार्थी यह पेपर था राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा का पेपर, और यह पेपर दिनांक 29 अगस्त 2024 को हुआ। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा क्योंकि आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।